हम स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी तथा माननीय जल शक्ति राज्य मंत्रीगण माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा माननीय श्री बिस्वेश्वर टुडू जी का, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शक्ति मंत्रालय श्री पंकज कुमार और अपर सचिव तथा जल जीवन मिशन के डायरेक्टर श्री भरत लाल का, विभिन्न राज्यों से जुड़े पेयजल विभाग के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण तथा राज्यों के सभी अधिकारियों का हम स्वागत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमसे जुड़े सभी सरपंचों, ग्राम सभा, पानी समितियों और VWSC के सदस्यों और सभी देशवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। पूज्य बापू के 150वीं जयंती वर्ष पर 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूज्य बापू को कार्यांजलि अर्पित करते हुए बापू की ग्राम स्वराज की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की थी और 2024 तक हर घर जल का संकल्प देश के सामने रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान जन जन की आवाज बन गया, जिसने गांव गांव में जल जीवन मिशन को एक जन आंदोलन बना दिया। देशव्यापी ग्राम सभा और माननीय प्रधानमंत्री जी के पानी समितियों के साथ जल जीवन मिशन पर संवाद के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब हमारा निवेदन है माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित पानी समितियों विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज के सदस्यों के इस राष्ट्रव्यापी वर्चुअल सम्मेलन में हम सब के बीच में उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, शक्तिशाली, संपन्न, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण के युग दृष्टा और नवनिर्माण के संकल्प को सिद्ध करने हेतु समर्पित श्रद्धे माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्रीमान विश्वेश्वर टुडू जी, कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, राज्यों के माननीय मंत्रीगण, विभाग के सचिव श्रीमान पंकज कुमार जी, जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर अवर सचिव श्री भरत लाल जी, आभासी माध्यम से जुड़े राज्यों के विभिन्न गांवों की पानी समिति और विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी के माननीय अधिकारीगण, सदस्यगण, पंचायती राज व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधिगण, और आज इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए देश भर के लगभग सभी राज्यों के अनेक अनेक गांवों के सभी प्रिय ग्रामीण बंधुओं, बहनों, महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हृदय पूर्वक आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस ऐतिहासिक दिन मैं आप सबको, आपको 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों की माताओं बहनों की तरफ से, जिन्हें आपने इज्जत घर के माध्यम से गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान किया, 5 करोड़ ऐसे परिवारों की महिलाओं जिन्हें घर में उपयोग के लिए पानी लाने के, दूर से पानी ढोकर लाने के अभिशाप से आपने मुक्ति दिलाई, 2.5 लाख ऐसे ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामवासियों से जिन्हें संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य देकर के आपने एक नया मार्ग प्रशस्त किया है, इन सब की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय पूर्वक आपका अभिवादन करता हूं। साथियों, कृतज्ञ राष्ट्र के लिए गांधी जी की जयंती एक ऐसा पर्व है जब हम न केवल राष्ट्र निर्माण के लिए अपने संकल्पों को दोहराते हैं, अपितु सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी विकास के लिए किए गए कार्यों का आत्मावलोकन भी कर सकते हैं। 2014 में आज ही के दिन श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने
उस दिन से 5 साल बाद 2019 में जब देश गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा होगा, तब देश को खुले में शौच से मुक्त करने का एक ऐसा संकल्प किया था जिसे सुनकर के सारा विश्व एकाएक अचंभित हो गया था। अपने प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जादुई शक्ति से पूरे देश को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इस संकल्प की सिद्धि के लिए एक साथ जन आंदोलन के रूप में नियोजित कर आपने न केवल इसे सिद्ध किया अपितु अपने कृतित्व से श्रद्धा के सुमन श्रद्धेय बापू को 150वीं जयंती के अवसर पर अर्पित किए। इसी क्रम में सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने, ईज ऑफ लिविंग को प्राप्त करने के प्रत्येक के लक्ष्य को लेकर प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिले, गैस मिले, बिजली का कनेक्शन मिले, बैंक का खाता मिले, हर गांव में सड़क हो, इंटरनेट की सुविधा हो, इन सब के साथ साथ 2024 तक प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे, ये संकल्प आपने लेकर के देश के सामने जल जीवन मिशन घोषित किया। हम सब के लिए ये सौभाग्य का विषय है माननीय प्रधानमंत्री जी कि हम ऐसा सब उस समय कर पा रहे हैं जब देश आजादी के अमृत काल से गुजर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर कहा था कि जब राष्ट्र एक संकल्प लेकर एक साथ आगे बढ़ता है तो सब तीर्थों का मिलन हो जाता है और सारी शुभ तिथियां एक साथ आपस में मिल जाती हैं। देश में संपूर्ण स्वच्छता एवं हर घर नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में एक साथ आयोजित यह जल संवाद भी आज ऐसे ही शुभ संकल्पों और शुभ तिथियों का समागम है। साथियों, मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज के इस संवाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वचन से हम सब इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति और एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि मृदा माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत जीवन जितना निर्मल है उतना ही अविरल रहा है। इस अविरलता के साथ सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने को सरकार में शीर्ष दायित्वों का निर्वहन करते हुए 20 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ये सक्रिय 20 वर्ष देश की प्रगति और देशवासियों की सेवा के ऐसे उदाहरण हैं जिनका लाभ न केवल वर्तमान पीढ़ी को मिल रहा है अपितु आने वाली सदियों तक देश के विकास में प्रधानमंत्री जी के इस कर्मयोग की छाप दिखाई देने वाली है। आज जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी के अविरल सेवा संकल्पों का एक बड़ा उदाहरण है। इस मिशन को आज पूरे देश में साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। इस संकल्प की शुरुआत भी सालों पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए की थी। साथियों, आज हम देश के अलग अलग राज्यों में पीने के पानी से जुड़ी हुई अलग अलग चुनौतियों को देखते हैं, लेकिन फिर भी हर घर जल का यह अभियान अप्रत्याशित गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस अभियान के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का विस्तृत अनुभव और दूरगामी विजन छुपा है। मित्रों, विनाशकारी भूकंप के ठीक बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी को 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था तो गुजरात के बड़े भूभाग में पेयजल का भारी संकट था। गुजरात की छवि के साथ वाटर ट्रेन और वाटर टैंकर्स की छवि उभरती थी। उन्होंने न केवल पेयजल को एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया और इसके माध्यम से गुजरात की तस्वीर को बदला, अपितु सरदार सरोवर के अकल्पनीय निर्माण के साथ, भूगर्भ जल के पुनर्भरण की सुजलाम सुफलाम की महती योजना के साथ, वर्षा के अतिरिक्त जल को तालाबों में भरकर वर्षा के जल के संरक्षण संचय का संदेश सफलता के साथ में देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की तकदीर को सदा सदा के लिए बदल दिया। गुजरात से प्राप्त यह अनुभव सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मिलित प्रयास यानी सामूहिक जिम्मेदारी से बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, यह आज एक मॉडल के रूप में पूरी दुनिया के सामने है। आज गुजरात के 90% से ज्यादा गांवों में गांव की जरूरत के हिसाब से पानी का प्रबंधन स्थानीय समितियां कर रही हैं
और जल जीवन मिशन में यही स्थानीय स्वायत्तता गुजरात के अनुभव से ही देश भर में दी जा रही है। गांव के इस प्रबंधन में महिलाओं की महती भूमिका है, इसलिए जल जीवन मिशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से हम परोक्ष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक अभियान चल खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमें वर्तमान पीढ़ियों तक जल पहुंचाना है, लेकिन साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक संपदा को भी अक्षुण्ण रखना है। इसलिए जल जीवन मिशन के साथ नमामि गंगे, अटल भूजल योजना और ऐसे अन्य अभियान भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। 2014 के बाद आज जब देश की तस्वीर व तकदीर बदलने का आधार बना है, पानी और पेयजल की तरह स्वच्छता को भी जन आंदोलन के रूप में खड़ा करते हुए जो काम किया जा रहा है, उसके पीछे भी गुजरात का विस्तृत अनुभव है। पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर होलिस्टिक अप्रोच के साथ योजनाएं बने व लागू हों, इसके लिए एकीकृत मंत्रालय जल शक्ति के निर्माण के साथ ही देश को जल समृद्ध बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अनवरत प्रयासरत हैं। पेयजल, वर्षा के जल का संचयन, संचित जल का संरक्षण, संरक्षित जल का विवेकपूर्ण उपयोग, उपयोग में लाए गए जल को पुनः शुद्ध करके वापस उपयोग और नदियों की स्वच्छता, अविरलता, भूगर्भ के जल का पुनर्भरण, गंगा का कायाकल्प आदि सब विषयों पर आज एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस ऐतिहासिक दिन आपके नेतृत्व में संपूर्ण स्वच्छता और जल संबद्ध समृद्धि के संकल्प की सिद्धि के लिए हम तन मन से जुटे हैं, और आज आपके द्वारा मिलने वाला आशीर्वाद और आपके द्वारा पानी समितियों के सदस्यों के साथ किया गया संवाद निश्चित ही हम सब में एक नया विश्वास, एक नया आत्मविश्वास और इस संकल्प को सिद्ध करने की एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इस अवसर पर हमें आशीर्वाद देने के लिए, अपना अमूल्य समय देने की महती कृपा करने के लिए मैं ऐसे सारे लोग जो आपके इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए आपके नेतृत्व में जुटे हैं, उन सब की तरफ से आपका एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। कोई छूट ना जाए तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की मूल भावना के अनुरूप जल जीवन मिशन राज्य सरकारों के साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 वर्षों में कोविड की रुकावट के बावजूद हमारे इरादे रुके नहीं। इन 2 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश में वाटर सिक्योरिटी हो, पानी की कमी विकास की गति को किसी प्रकार धीमा न कर सके तथा पानी की समस्या को सिर्फ मैनेज न किया जाए बल्कि उसका स्थायी समाधान किया जाए। इसी विजन को दर्शा रही है जल जीवन मिशन पर ये फिल्म। इक्कीसवीं सदी का प्रारंभ, गुजरात में आया विनाशकारी भूकंप, 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु, 1.5 लाख से अधिक घायल, 3.5 लाख से अधिक घर हुए प्रभावित। भूकंप के अलावा भी गुजरात के सामने थी बड़ी चुनौतियां। प्रमुख था जल संकट। हर साल 3 से 5 फीट गिर रहा था भूजल स्तर। सूखे की मार, दूषित पानी और उनसे होती बीमारियां, बढ़ता खेती का खर्च और वीरान होते खेत। अरे हूँ गुजरात राज्य ना मुख्यमंत्री तरीके ना मारा। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिया संकल्प पानी की कमी को मिटाना और गुजरात को समृद्ध बनाना, और दिया गुजरात को वाटर सिक्योरिटी का एक विजन। पूरी की बहुप्रतीक्षित सरदार सरोवर परियोजना, पानी की समस्या को हल करने के लिए शुरू की सुजलाम सुफलाम योजना, विश्व का सबसे विस्तृत कनाल नेटवर्क बनाया। इतनी सुजलाम सुफलाम कनाल, 21 नदियों ने जोड़ा ही ना रहे। दिया बढ़ावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आर्टिफिशियल रिचार्ज, माइक्रो इरिगेशन और सोलर पंप को, लाखों चेक डैम और खेत तालाबों का निर्माण, भूजल स्तर हुआ 3 मीटर तक ऊंचा,
कृषि क्षेत्र में दिया पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मंत्र। गुजरात में कृषि विकास दर 10% से अधिक। सूखे कच्छ और सौराष्ट्र तक जल पहुंचाने शुरू हुई पानी पहुंचाने की योजना। मुख्यमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे विशाल वाटर ग्रिड का जाल बिछाया। उत्तर गुजरात के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया नल से जल। इस विजन से कि महिलाओं को पानी ढोने की समस्या से मिले मुक्ति, बने वो खुशहाल और सशक्त। और स्थापित किया वास्मो, वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हर गांव में बनाया पानी समिति। महिलाओं के हाथों में सौंप दी पानी की बागडोर और पहुंचाया स्वच्छ जल हर छोर। गांवो गांव आ बहनों ने पानी समितियों बनी अने आजे 5 वर्ष थया। पानी नो आपके आपको वहीवट हमारी माताओं बहनों से। गांव गांव पेयजल का स्वप्न हुआ साकार। टैंकर और ट्रेन से पीने का पानी पहुंचाना हुआ बंद। और अपने दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ चले मोदी जी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक तिहाई देश में होती है कम बरसात। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में पानी की कमी से बाधा ना आए इसके लिए दिया एक विजन, वाटर सिक्योर नेशन। सबसे पहले शुरू किया स्वच्छ भारत मिशन। खुले में शौच से मिली मुक्ति। माँ गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए शुरू की नमामि गंगे परियोजना। माँ गंगा हुई निर्मल और अविरल। जन भागीदारी के लिए शुरू किया जल शक्ति अभियान। पानी के एकीकृत प्रबंधन और दीर्घकालीन सुनिश्चितता के लिए बना जल शक्ति मंत्रालय। शुरू की अटल भूजल योजना। लेकिन अभी और बढ़ना था इस विजन की गति और स्तर। स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद भी देश के 19 करोड़ ग्रामीण घरों में से सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही पहुंचता था नल से पेयजल। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया जल जीवन मिशन, यानी 2024 तक हर घर तक पहुंचे शुद्ध पेयजल। जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने गांव के लोगों के हाथ में पानी की व्यवस्था खुद करने की ताकत दी। जल की शुद्धता की जांच के लिए 7 लाख से अधिक महिलाओं ने लिया प्रशिक्षण और 25 महीनों के अंदर ही देश के 5 करोड़ घरों तक पहुंचा है नल से स्वच्छ जल। स्कूल और आंगनवाड़ियों तक भी पहुंचा है नल से जल। मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, ऑपरेटर, फिटर, ये मिशन ला रहा है करोड़ों लोगों को रोजगार। जल जीवन मिशन के सार्वजनिक डैशबोर्ड पर हर गांव, हर घर की पेयजल स्थिति और वहां दिए जाने वाले पानी की क्वालिटी उपलब्ध है। देश बढ़ा जल सुरक्षा की ओर और 2024 तक पहुंचेगा हर घर जल। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के केंद्र में है गांव के लोग। गांव-गांव में विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटीज पानी समितियां निर्णय करती हैं कि गांव में पानी की व्यवस्था कैसी होगी। इसी क्रम में अब माननीय प्रधानमंत्री जी विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटीज पानी समितियों के साथ संवाद करेंगे। माननीय सबसे पहले उत्तर प्रदेश से पानी समिति के चेयरमैन श्री गिरिजाकांत तिवारी आपसे संवाद करेंगे। गिरिजाकांत जी नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। गिरिजाकांत जी, बात की शुरुआत के पहले सबसे पहले तो मैं आपको जानना चाहूंगा, आपका परिचय चाहूंगा, जरा अपने बारे में बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं ग्राम उमली विकास खंड बवेरू और जिला बांदा से बोल रहा हूं। मैं बीए तक पढ़ा हूं और अपने गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता हूं और इसके अलावा खेती बाड़ी का काम भी करता हूं और जल जीवन मिशन के तहत पानी समिति से अध्यक्ष के रूप में जुड़ा हुआ हूं। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कि पहले आपके गांव में पानी की क्या व्यवस्था थी और अब क्या बदलाव आया है? प्रधानमंत्री जी, पहले मेरे गांव में जलाशय, कुआं और हैंड पंपों के पानी से व्यक्तियों को पानी मिलता था,
अब जल जीवन मिशन के तहत पेयजल हर घर जल के माध्यम से सभी लोगों को शुद्ध जल मिल रहा है, जिससे बीमारी नहीं होती है। पानी तो आपके गांव में अब घर तक पहुंच गया है, इससे आपके परिवार और गांव में महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव देखते हैं आप? हर घर नल से जल पहुंचने के बाद मेरे गांव के महिलाओं में खाना बनाने में उन्हें आराम मिलता है, जिससे समय की बचत होती है। बचे हुए समय का प्रयोग हमारे गांव की महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाने में और पुरुष खेती बाड़ी के काम में प्रयोग करते हैं। क्या सबको, जब शुरू में जब आपने कहा होगा कि ऐसा नल से जल मिलने वाला है तो लोग विश्वास करते थे, और अब जब मिल गया तो उनको लगता है कि चलो एक अच्छा काम हुआ, गांव के लोग महसूस करते हैं क्या? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं इस परियोजना से, और खुशी खुशी सारे लोग उसका प्रयोग करते हैं। तिवारी जी, मैं एक और बात जानना चाहता हूं। क्या आपके गांव में, मैंने जो शौचालय का अभियान चलाया था तो शौचालय तो बन गए होंगे, लेकिन क्या सब परिवारों में शौचालय का उपयोग होता है क्या? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे गांव में हर घर में शौचालय बना हुआ है, और मेरे गांव के सभी लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, जिससे प्रदूषण, गंदगी और बीमारी नहीं होती है। गिरिजाकांत जी, मैं आपको और आपके गांव के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आपने इस काम के लिए इतना परिश्रम किया। हमारे बुंदेलखंड की बहनों बेटियों को जो समय अपने भविष्य के लिए लगाना चाहिए, उसमें उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ता था। अब धीरे धीरे ये स्थिति बदल रही है। पिछले 6-7 सालों में हमारी यही कोशिश है कि हमारी बहनें, बेटियां, माताएं, उनको हम सशक्त करें, उनकी गरिमा और बढ़ाएं। उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, उसमें भी महिलाओं का नाम, मुद्रा लोन, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना, और अब जल जीवन मिशन, एक के बाद अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला, इसी संकल्प के प्रयास है। आप सभी इस संकल्प के साझेदार बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी। आइए अब हम गुजरात चलते हैं, श्री रमेश भाई पटेल जी से बात करेंगे। हाजी नमस्कार साहेब। नमस्ते रमेश भाई, केम छो? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, खूब मजा में छू, हूं पण खुश छू अने मारू आखू गाम पण खुश छे। अच्छा रमेश भाई, बताइए पानी की क्या व्यवस्था है आपके गांव में? हमारे गांव में सर, प्रधानमंत्री जी, 715 घरों में पानी नल से मिल रहा है, शुद्ध पानी पीने का मिल रहा है। कितने घर हैं आपके यहां? 715। अच्छा, लेकिन जो पानी मिल रहा है, क्योंकि बनासकांठा में मैं जानता हूं पानी की कैसी दिक्कतें रही हैं पहले, ये पानी गुणवत्ता की दृष्टि से कैसा होता है? हाँ जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारा पानी एप्टिक किट के माध्यम से 5 महिलाओं गांव को प्रशिक्षित किया गया है, और इसके द्वारा समय समय पर जांच की जाती है, और आज के समय में हमारा पानी पीने के योग्य है। तो ये महिलाओं की ट्रेनिंग हो गई है, वो इस पानी का रेगुलर चेकिंग करते हैं? हाँ जी, समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, समय समय पर करते हैं। और इसके कारण गांव वालों को भी पता है कि उनके पास जो पानी आता है उसको बीच बीच में चेकिंग होता है, अगर पानी में कोई खराबी है तो फिर आगे क्या करते हैं? अभी तक खराबी मालूम सर नहीं हुई है, जो पानी मिल रहा है शुद्ध और सही है। अच्छा, आपके गांव में पानी की सप्लाई के लिए गांव वालों की तरफ से
कुछ योगदान मिल रहा है कि सब ऐसे ही चल रहा है? ना, हाँ जी सर, इस योजना को रख रखाव के खर्च के लिए सालाना 120 रुपया योगदान के रूप में लिया जाता है। लोग देते हैं? जी सर, कोशिश करने के बाद भी देते हैं और अभी पानी मिला तो खुशी खुशी देते हैं। लेकिन जब चुनाव आएगा तो गांव का जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो कह देंगे कि हम तो पानी मुफ्त कर देंगे, फिर सारा काम आपका अटक जाएगा। सर, पानी मुफ्त करने का वादा करने वाले लोग भूल रहे हैं कि हमारे पास पानी अनमोल है, पानी कम है, पानी देना भी है और इसका योगदान भी लेना है। आपके बनासकांठा में तो, और मुझे पता है कि जिस प्रकार से आपने टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन भी बहुत प्रचलित किया है, क्या आपके गांव के लोग भी स्प्रिंकलर कहो, ड्रिप इरिगेशन कहो, इसके अंदर जुड़े हैं क्या? जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे गांव के 95% किसान सूक्ष्म पेयजल पद्धति, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के से जुड़े हुए हैं। इससे हमारा पानी का बचाव होता है। पानी भी बचता होगा, बिजली भी बचती होगी जी सर, और मेहनत भी बचती होगी। हाँ जी सर, बहुत बदलाव आया है, इसके कारण हमारे फसलों में भी परिवर्तन आया है। पहले फसलें जो होती थी, इसके अलावा आलू, पोटेटो मीन्स दिवेला, राई, गेहूं, ये सब होता है। अच्छा रमेश भाई, आप तो जानते ही हैं, अपने त्या गुजराती में कहवत हो जे, सिद्धि तेने जाई वरे जे परसेवे नाय, यानी सफलता उसे ही मिलती है जो श्रम करता है। मैं आपके गांव के सभी लोगों ने जो श्रम किया तो आपको इसका फल भी मिल रहा है। आपके जैसे नागरिकों का श्रम ही हर योजना की शक्ति है। अभी कल मुझे स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लॉन्च करने का अवसर मिला। नागरिकों के श्रम से हमने स्वच्छता के ऐसे लक्ष्य प्राप्त किए हैं जिसे हासिल करने के बारे में सोचना भी कभी कठिन हुआ करता था। जल जीवन मिशन में भी हमें ऐसे ही परिणाम मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं सभी गांव की माताओं बहनों को इतना बड़ा काम अपने जिम्मे लेने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, अभिवादन। आइए हम सुश्री कौशल्या जी से बात करते हैं। कौशल्या जी उत्तराखंड से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हाँ कौशल्या जी नमस्ते। जी नमस्ते। आपके साथ सारी टोली बैठी है, उन सबको भी नमस्कार मेरा। कौशल्या जी, आप अपने गांव की पानी समिति की अध्यक्ष हैं, बताइए कि पहले पानी के लिए कितनी परेशानी होती थी और आज जब कभी पानी में दिक्कत आती होगी तुरे गांव के लोग मोर्चा लेकर के आपके घर आ जाते होंगे, आपके घर के सामने मटके फोड़ते होंगे, क्या होता है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी ग्राम पंचायत में 7 तोक है जिसमें 366 परिवार है, तो इनमें पानी की पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन जिसके में महिलाएं और बच्चे पानी ढोकर घर तक लाते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत अब ये दिक्कत कम हुई है जी। अभी पानी सब घरों में पहुंचा है? जी जी माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी घरों में पानी है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जमानी पहाड़ के काम नहीं आती है। अब आपने कमाल कर दिया है, गांव में पहले पानी की वजह से पलायन की स्थिति थी, सब जवान लोग चले जाते थे, अब क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, अब जल जीवन मिशन के तहत पहाड़ों का पानी अब पहाड़ों के ही काम आ रहा है माननीय जी, और हमारे पूरी ग्राम पंचायत में शुद्ध जल मिल रहा है, और हमने अपने स्रोतों का संवर्धन करने के लिए ग्राम पंचायत में 2 साल में 22,000 वृक्षारोपण भी किए हैं।
अरे वाह। अच्छा मुझे बताया गया कि आप लोग अब गांव में होम स्टे भी बना रहे हैं, क्या इसमें भी अब पानी पहुंचा है तो होम स्टे के कारण लोग मेहमानों को रखना, उनकी आगता स्वागता करना, ये जरा सुविधाजनक हो गया होगा, क्या अनुभव है? जी प्रधानमंत्री जी, पहले तो पर्यटक नहीं आते थे हमारे गांव में, लेकिन जब से जल जीवन मिशन के तहत हर घर के भीतर और शौचालय में पानी पहुंचा है तो ग्रामवासियों ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लगभग हमारी ग्राम पंचायत में 35 होम स्टे बन चुके हैं जिन्हें ग्रामवासी ही चलाते हैं। तो आते हैं टूरिस्ट? जी। तो उन टूरिस्टों की सारी जानकारी रखते हो कि भाई किस प्रदेश से आए, जी, उनका अनुभव क्या रहा, वो सब लिखवाते हैं उनसे? जी। एक रजिस्टर रखना चाहिए, ये जो होम स्टे में लोग रह के आए ना, वो बाद में अपने अनुभव लिख करके जाएं, तो धीरे धीरे जो कलेक्शन होगा वो बहुत काम आएगा आपको। जी सर। तो जी, करेंगे जी, बिल्कुल। अच्छा कौशल्या जी, ये बताइए कि गांव में कोरोना के टीके, ये जो हमने मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाया है और हमारे मुख्यमंत्री तो बड़े जवान हैं और मेहनती हैं, तो मैंने जो जानकारी ली कि बहुत तेजी से आपके यहाँ टीकाकरण हुआ है, आपके गांव में क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गांव में 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों को दोनों डोज लग चुकी है और हमारा गांव 100% वैक्सीनेट हो चुका है और इसके लिए हमने 10 कैंप भी लगाए अपनी ग्राम पंचायत में। दोनों डोज 100% हो गए? जी 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 माननीय जी। अरे वाह, गजब कर दिया आपने तो। जी देखिए, योजनाएं तभी सफल होती हैं जब जन भागीदारी होती है, चाहे वो कोरोना टीकाकरण हो या फिर जल जीवन मिशन। देखिए, आपने पानी की ताकत को समझा है, आपने पेड़ भी लगाए, होम स्टे भी किया, आपने पानी के कारण अब सुविधाएं भी बढ़ाने लगे। देखिए, पूरे गांव में एक बहुत बड़ी क्रांति आप ले आए हैं, मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। और आपके गांव ने पलायन को भी एक प्रकार से इतिहास में पीछे छोड़ दिया है, अब पर्यटन को भी गांव की ताकत बना दिया। लोग जाते थे उसके बजाय लोग आने लग गए, जहां लोग अपने गांव में नहीं रहना चाहते थे, आज पर्यटक वहां पर आने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। देखिए, पानी जैसी बुनियादी सुविधा सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बदलने की ताकत रखती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सब माताओं बहनों को मैं यहां से प्रणाम करता हूं। धन्यवाद सर। आइए हम आगे चलते हैं, तमिलनाडु एस सुधा जी के पास। वणक्कम अय्या। वणक्कम 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 वणक्कम। सुधा जी, अब आपके गांव में हर घर को नल से जल मिलने लगा है, पहले तो एक भी घर में नल कनेक्शन नहीं था, इसे माताओं बहनों का कष्ट जरूर कम हुआ होगा, आपका अनुभव क्या है? सुधा अवर्गले, इदर्कु मुन्नर उंगल ग्रामत्तिल ओरु वीटिलुम कुळाय तन्नीर इरुक्क मुडियादु, இப்போது அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் தண்ணீர் கிடைத்திருக்கிறது, இதன் மூலம் நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள்? மாண்புமிகு முதல்வர், மாண்புமிகு பிரதமந்திரி அவர்களுக்கே வணக்கம். எங்கள் ஊரில் ஒரு ஒரு தெருவுக்கு ரெண்டு குழாய் தான் இருக்கும், இப்ப வந்து வீட்டுக்கு வீடு குழாய் கொடுத்துருக்கோம் சார் ஐயா, அதனால மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். மாநிலைய பிரதான் மந்திரி ஜி, இஸ்கே பஹலே ஹமாரே கலிக்கோ தோ நல் ஹி ரஹதா தா, அபி जल जीवन मिशन से हमारे ग्राम के 412 घरों को नल के द्वारा पीने का पानी मिल रहा है, इससे हमें बहुत खुशी हूं जी। सुधा जी, मुझे कई वर्षों से, मैं तमिलनाडु आता रहा हूं, वहां से लोगों से भी मिलता रहा हूं, और मुझे हमेशा तमिलनाडु के प्रति बड़ा गौरव रहा है। और मुझे पता है आपके गांव का सिल्क बड़ा मशहूर है, कुछ उसके बारे में बताइए ताकि देश वालों को पता चले
कि हमारे यहाँ गांव में भी क्या ताकत है। सुधा जी बताइए जरा। सुधा அவர்களே நான் அடிக்கடி தங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறேன். உங்கள் ஊரில் ஆரணிப்பட்டு மிகவும் பெருமையாக உள்ளது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இதை பற்றி தங்களின் கருத்து தெரிவிக்க முடியுமா? ஆமாங்க ஐயா, எங்க ஊரிலே வந்து 20 வீட்டுகளுக்கு பட்டு செய்யும். ஆரணியிலே பட்டு தான் ஃபேமஸ். அதை ஏற்றுமதி உள்நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யுது சார். அதனால நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம் जी। प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ एक खास सिल्क आर्नी सिल्क बनता है, यह बहुत मशहूर है। हमारे गांव के 20% के लोग यह सिल्क बनाने में लगे हैं। आर्नी सिल्क विश्व मशहूर है। इस सिल्क को स्वदेश और विदेशों में भी निर्यात होता है, इसे हम बहुत खुशी हूँ जी। सुधा जी, अब आपके गांव में पानी भरने के काम से मुक्ति मिल गई होगी, तो अरनी सिल्क में महिलाएं ज्यादा समय दे पा रही है क्या? इससे उनकी आय पर भी कुछ खास फर्क पड़ा है क्या? उनकी आय बढ़ी है क्या? சுதா அவர்களே, தற்போது உங்கள் கிராமத்தில் குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது இல்லையா? இதனால் பட்டுத்தறியில் உங்கள் நேரத்தை செலவிடுகிறீர்களா? ஆமாங்க ஐயா, அதிக நேரம் மிச்சம் வருது. மற்ற வேலைகளுக்கும் நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிறோம் இந்த வேலையில. இந்த தண்ணியினால ஃபர்ஸ்ட்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம், லைன் நின்று தண்ணி பிடிப்போம். இப்போ அதெல்லாம் இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே நாங்கள் இருப்பிச்சுலாம். அந்த நேரத்தில் நாங்கள் மற்ற பயனுள்ள வேலைகளை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதனால மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் ஜி. பிரதான் மந்திரி ஜி, அப் பகுத் கஷ்ட கம் ஹர் கர் மே நல் சே பானி ஆனே சே பகுத் டைம் பச்சத் ஹோ ஜாதா ஹே ஜோ அவர் காமோ மே உபயோக் கர் பாத்தே ஹே. ஆப்கோ பகுத் தன்யவாத் ஜி. சுதா ஜி, आपके गांव की पानी की समस्या तो हल हो गई, पर पानी संरक्षण को लेकर आप लोगों ने कोई प्रयास किए हैं? क्योंकि तमिलनाडु में पानी का संकट हर बार आता है, वर्षा में भी उतार चढ़ाव रहता है, और मैंने देखा है कि कई इवन चेन्नई में तो पीने के पानी की भी दिक्कत होती है कभी कभी। तो पानी बचाने के लिए, पानी संरक्षण के लिए कोई प्रयास आपके यहाँ हो रहे हैं क्या? சுதா அவர்களே, தற்போது உங்கள் கிராமத்தில் குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. மிக நீண்ட காலத்திற்கும் பல ஆண்டுகளுக்கும் உங்கள் கிராமத்தில் குடி தண்ணீர் நிரந்தரமாக இருக்க என்ன முயற்சி செய்துள்ளீர்கள்? ஆமாங்க ஐயா, அதற்காக நாங்கள் வேலை செய்திருக்கோம். 2 செக் டேம் கட்டியிருக்கோம், ஏரி குளங்கள் தூர்வாரியிருக்கோம், பண்ணை குளம் அமைத்திருக்கோம். அதற்கு அந்த வருகின்ற மழைகளை நீரை சேகரித்து வருகின்ற வெயில் காலத்துக்கும் அதை பயன்பாட்டுக்கு வைத்திருக்கிறோம் जी। प्रधानमंत्री जी, हमें इसके लिए भी काम किया है। 2 चेक डैम्स बनाए हैं, 2 फार्म पॉन्ड्स बनाए हैं, ग्राम की जल तालाबों की खुदाई की है ताकि बारिश का पानी जमा हो और गर्मी के दिनों में उसका उपयोग करते हैं। सुधा जी, आपको और आपके गांव के सब लोगों को और आपके सब काम में जुड़े हुए साथियों को ऐसे नेक काम करने के लिए मैं आपका और पूरे गांव का अभिनंदन करता हूं। சுதா அவர்களே, உங்கள் கிராமத்தில் தங்களுக்கும் உங்கள் கிராமத்தில் அனைவருக்கும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களை பற்றி இது உங்களுடைய கூறுங்கள் ஐயா. எனக்கு நான் தலைவியானதுக்கு அப்புறம் இந்த தண்ணி வந்ததால மக்கள் மகிழ்ச்சி, நானும் மகிழ்ச்சி. அனைவருக்கும் அந்த பாராட்டுகளை உங்களுக்கே சேர்ந்த ஐயா, நன்றி வணக்கம் ஐயா ஜி. பிரதான்மந்திரி ஜி, இஸ்கா பதாயி மைன் தும்கோ திகாதி ஹூம். ஹம் சப் பஹுத் குஷ் ஹுவே ஹே, ஜீவன் மே சுவிதா ஹோ கயி ஹே, ஹம் சப் ஆராம் ஹோ கயி ஹே. ஆப்கா தன்யவாத் ஜி. ஆப் சபி நே இஸ் யோஜனா கோ அப்னா கர் மஹிலாவோ கா ஜீவன் தோ சுகம் கியா ஹே, சாத் ஹி உன்ஹே சசக்த பி கியா ஹே. पानी जैसी ऐसी बुनियादी सुविधा के लिए लंबा इंतजार कर चुकी मेरी बहनों को अब और परेशानी ना हो, हम इसी प्रयास में लगे हैं। सब माताओं बहनों के हमें आशीर्वाद मिलते रहे ताकि हम माताओं बहनों की और अधिक सेवा कर सके। உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து தாய்மார்கள் மற்றும் சகோதரிகளின் ஆசீர்வாதம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும். இந்த முயற்சி தொடர்ந்து உங்கள் கிராமத்தில் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யுங்கள். இதன் மூலம் உங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி ஐயா. அனைத்து மகளிரும் வணக்கம். வணக்கம் ஐயா. உங்கள் அனைவருக்கும் எங்க பாராட்டு எல்லாம் உங்களுக்கே சேரும் ஐயா ஜி. பிரதான் மந்திரி ஜி, ஆப்கா பகுத் தன்யவாத் ஜி.
नमस्कार। चलिए अब तमिलनाडु से हम मणिपुर की तरफ चलते हैं। मणिपुर में हमारे साथ लेतन थेम सरोजनी देवी जी है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। सरोजनी नमस्ते, बताइए गांव में हर घर में नल से पानी आ रहा है, अब गांव वाले खुश है ना? प्रधानमंत्री जी नमस्कार। अखोई की कुगंग दा हाना निसलसी लात्री गई ममांग दा याम ना कुदुंग चा दब ले रमी पब्लिक के स्टैंड पोस्ट दा सतना मयाम ना वादा इसिंग जा रमी नुपी सिंह दी परेंग लेप तो ना क्यू लेप तो ना तो आवा आप मवंग दा इसिंग जा रमी अदुबु जन जीवन मिसल ला को दी हौजिक दी आवा आप सिंह अदु कोखरे अखोई की खुगंग विलेज की खुगंग जुम्थो चवा कुंतर चवा कुंतर अखोथों खुद इंसना जन जीवन मिसल लापी अवाब चिंकोले। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। पहले लोग स्टैंड पोस्ट से पानी लाते थे और गांव की महिलाओं को पानी लाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और लंबी कतारों में भी लग के पानी लेना पड़ता था। अब जल जीवन मिशन योजना के बाद हमारे गांव के सभी 527 घरों में उनके परिवारों में नल से साफ पानी मिल रहा है। अब इतनी कठिनाई से अब आपको मुक्ति मिली है तो अब गांव में कुछ न कुछ बदलाव भी आया होगा, तो बदलाव क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? जे सर अखोई खुगंगदा मिसल लापदगी अफब इसिंग थे ओडीएफ लापदगी ओडीएफ लाखदगी अखोई खुगंगदा असुकी मतिक हक्षेनगी मतांगदा अमदी सिमिलोंगी मतांगदा फगले नुपीसिंगी अवाबसु मतम अमसुंग अवाबसु कोहले। जी प्रधानमंत्री जी, नल से शुद्ध पानी मिलने और ओडीएफ गांव होने के बाद हमारे गांव में बीमारियां कम हो गई है, गांव साफ सुथरा रहती है और औरतों को अभी हर घर में नल जब मिलने के बाद समय की बचत भी होती है और सभी स्कूलों आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी पानी लग गए हैं। अच्छा, आपकी कमेटी के लोग पानी शुद्ध है कि नहीं है, पानी की क्वालिटी कैसी है, वो रेगुलरली चेक करते हैं क्या? इसिंगी टेस्टिंग से तो ना चांग ना इना तो भी ब्रा टेस्ट। इसिंगी सर, इसिंगी टेस्टिंग से अखोई की कमिटी की कमिटी ना ट्रेनिंग ट्रेन तो रबा कोई नुपी मंगा खंगल का दा कोई ना टेस्टी टेस्ट तो रबे दमता ट्रेनिंग तो जोखरे मुखोई ना चांग ना इना टेस्ट तो ही। जी सर, गांव में पानी की जांच नियमित रूप से हो रही है और सरकार के मदद से गांव के 5 महिला सदस्यों को पानी की जांच की ट्रेनिंग भी दी गई है और वही लोग हमारे गांव के पानी की जांच करती हैं। देखिए, सरकार के तौर पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने हर नागरिक को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकें, उनका जीवन सुगम बना सकें, चाहे वो पूर्वोत्तर हो या फिर बुंदेलखंड। हमारी हर बहन बेटियों को अपना समय बर्बाद न करना पड़े, इसी प्रयास के तहत पहले उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर रसोई में पहुंचाए और अब हम हर घर जल और वो भी नल से जल वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी ये भी कोशिश रही है कि हर सुविधा में पूर्वोत्तर का हिस्सा बराबर का होना चाहिए। मुझे संतोष है कि पूर्वोत्तर में बदलाव अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में हो रहा है। इस बदलाव के लिए हम पिछले 6-7 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास लगातार जारी रहने वाले हैं। मेरी तरफ से
आपको और मणिपुर के सभी नागरिक भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। नॉर्थ ईस्ट की लमदम पुनमकू अखोय सरकार की माइगदगी फनब अवोब पुरक्नब होनाजरी उज्ज्वला योजना की मतुंग इना अखोय 9 करोर गैस फंगनब गमले युमथोंग खुदिंग की इसिंग सु संब गमहल्ले सिगी मथक्तद चेद इब नतना अखोयना असेंब अवोब पुरक्नब होनाजरी अदुगा अखोय की तरफ तगी यामना हराव नुंगाइब फोंदोक्सरी अदुगा थागतपसु फोंदोक्सरी थागतपसु फोंदोक्सरी। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। पिछले 2 वर्षों में मिशन के काम, जल जीवन मिशन के जन आंदोलन बनने तथा राज्य सरकारों, पानी समितियों और गांव वासियों के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक घरों तक नल से पीने का पानी पहुंचने के सभी पहलुओं पर जानकारी देने हेतु एक पुस्तिका तैयार की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया जल जीवन मिशन के 2 वर्ष ई पुस्तिका का अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। 15वें वित्त आयोग ने जल और स्वच्छता हेतु 5 वर्षों 2021-22 से 2025-26 के लिए पंचायतों और ग्रामीण स्थानीय निकायों के 1,42,000 करोड़ रुपए सशर्त अनुदान यानी टाइड ग्रांट के रूप में दिए हैं। गांवों में उसका सही उपयोग हो, अधिकारियों कर्मचारियों के जरिए पंचायत स्तर पर ये बात अच्छी तरह समझी जाए, इसके समुचित उपयोग के लिए एक मैनुअल यानी मार्गदर्शिका बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी अनुनय है कि कृपया इस ई मार्गदर्शिका का विमोचन अपने कर कमरे द्वारा करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सभी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। देश भर में 2000 से अधिक वाटर क्वालिटी प्रयोगशालाएं अब आम जनता के लिए खोल दी गई हैं, जहां वे अपने गांव या घर में आ रहे पानी की गुणवत्ता की जांच करा सकते हैं। पूरे देश भर में 7 लाख से ज्यादा महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से पानी की गुणवत्ता की जाँच का प्रशिक्षण दिया गया है। ई पुस्तिका वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस फ्रेमवर्क पानी की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग तथा जांच में बहुत उपयोगी होगी। हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया इस ई पुस्तिका का विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी तथा जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी पर जोर दिया। जल जीवन मिशन से जुड़ी समस्त जानकारी लोगों तक पहुंचे, यही मकसद है जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप का। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करें। लोगों की सुविधा हेतु इस ऐप में जल जीवन मिशन से संबंधित सभी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध है। जल जीवन मिशन में हो रही प्रगति, पानी की गुणवत्ता की जांच एवं निगरानी, वाटर सप्लाई स्कीम का विवरण इस ऐप से सभी लोग देख सकते हैं। हर राज्य, हर जिले तथा हर गांव की प्रगति भी इस ऐप में देखी जा सकती है। ग्राम पंचायत,
पानी समिति के सदस्यों, पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए चिन्हित महिलाओं के नाम इत्यादि भी देखे जा सकते हैं। जलापूर्ति संबंधित शिकायतें तथा दान भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। इस ऐप में क्षेत्रीय इंजीनियर्स तथा पानी समिति लॉगिन करके अपने गांव के जल स्रोत तथा पानी की टंकी इत्यादि की जियो टैगिंग कर सकेंगे तथा हर घर जल का प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इस ऐप को ggm.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। विश्व नेता के रूप में सारी दुनिया में बड़े सम्मान से जाने जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी मन से, देश की मिट्टी से, ग्रामीणों से, जड़ों से, जनों से जुड़े हैं और इसीलिए जन जन का जीवन स्तर उठाने, जन के जीवन में आसानी लाने के लिए वे प्रणबद्ध हैं। जल से जन जीवन को निखारने का उनका प्रयास पूज्य बापू के ग्राम स्वराज के सपने को साकार कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की आस और विश्वास बन चुके माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री विश्वेश्वर टुडू जी, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्रीगण, देशभर की पंचायतों से जुड़े सभी सदस्य, पानी समिति से जुड़े सदस्य और देश के कोने कोने में वर्चुअली इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए कोटि कोटि मेरे भाई और बहनों, आज 2 अक्टूबर का दिन है। देश के 2 महान सपूतों को हम बड़े गर्व के साथ याद करते हैं, पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी। इन दोनों महान व्यक्तित्वों के हृदय में भारत के गांव ही बसे थे। मुझे खुशी है कि आज के दिन देश भर के लाखों गांवों के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। ऐसे अभूतपूर्व और राष्ट्रव्यापी मिशन को इसी उत्साह और ऊर्जा से सफल बनाया जा सकता है। जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है और आज ये हम इस आयोजन में होते हुए देख रहे हैं। भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आज कई और कदम भी उठाए गए हैं। जल जीवन मिशन ऐप, इस पर इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएगी। कितने घरों तक पानी पहुंचा, पानी की क्वालिटी कैसी है, वाटर सप्लाई स्कीम का पूरा विवरण, सब कुछ इस ऐप पर मिलेगा। आपके गांव की जानकारी उस पर होगी। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस फ्रेमवर्क से वाटर क्वालिटी को बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। गांव के लोग भी इसकी मदद से अपने यहां के पानी की शुद्धता पर
बारीक नजर रख पाएंगे। साथियों, इस वर्ष पूज्य बापू की जन्म जयंती हम आजादी के अमृत महोत्सव के इस महत्वपूर्ण कालखंड में साथ साथ मना रहे हैं। एक सुखद एहसास हम सभी को है कि बापू के सपनों को साकार करने के लिए देशवासियों ने निरंतर परिश्रम किया है, अपना सहयोग दिया है। आज देश के शहर और गांव खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। करीब करीब 2 लाख गांवों ने अपने यहां कचरा प्रबंधन का काम शुरू कर दिया है। 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का भी फैसला लिया है। लंबे समय तक उपेक्षा की शिकार रही खादी हैंडीक्राफ्ट, इसकी बिक्री भी अब कई गुना ज्यादा हो रही। इन सभी प्रयासों के साथ ही आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। आत्मबल, इसलिए मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि ग्राम स्वराज की ये सोच सिद्धियों की तरफ आगे बढ़े। गुजरात में अपने लंबे सेवा काल के दौरान मुझे ग्राम स्वराज के विजन को जमीन पर उतारने का अवसर मिला है। निर्मल गांव के संकल्प के साथ खुले में शौच से मुक्ति, जल मंदिर अभियान के माध्यम से गांव की पुरानी बावड़ियों को पुनर्जीवित करना, ज्योतिर्ग्राम योजना के तहत गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाना, तीर्थग्राम योजना के तहत गांव में दंगे फिसाद के बदले में सौहार्द को प्रोत्साहन देना, ई ग्राम और ब्रॉडबैंड से सभी ग्राम पंचायतों की कनेक्टिविटी, ऐसे अनेक प्रयासों से गांव और गांव की व्यवस्थाओं को राज्य के विकास का मुख्य आधार बनाया गया। बीते 2 दशकों में गुजरात को ऐसी योजनाओं के लिए, विशेषकर पानी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी अनेकों अवार्ड भी मिले हैं। साथियों, 2014 में जब देश ने मुझे ये नया दायित्व दिया तो मुझे गुजरात में ग्राम स्वराज के अनुभवों का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का अवसर मिला। ग्राम स्वराज का मतलब सिर्फ पंचायतों में चुनाव कराना, पंच सरपंच चुनना इतना ही नहीं होता है। ग्राम स्वराज का असली लाभ तभी मिलेगा जब गांव में रहने वालों की गांव के विकास कार्यों से जुड़ी प्लानिंग और मैनेजमेंट तक में सक्रिय सहभागिता हो। इसी लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा विशेषकर जल और स्वच्छता के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है। आज एक तरफ जहां ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ
पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ग्राम स्वराज को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक बड़ा प्रमाण जल जीवन मिशन और पानी समितियां भी है। साथियों, हमने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी हैं, कहानियां पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं, जिनमें विस्तार से ये बताया जाता है कि कैसे गांव की महिलाएं और बच्चे पानी लेने के लिए मीलों मीलों दूर चलकर जा रहे हैं। कुछ लोगों के मन में गांव का नाम लेते ही ऐसी ही कठिनाइयों की तस्वीर उभरती है, लेकिन बहुत ही कम ही लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को हर रोज किसी नदी या तालाब तक क्यों जाना पड़ता है, आखिर क्यों नहीं पानी इन लोगों तक पहुंचता। मैं समझता हूं जिन लोगों पर लंबे समय तक नीति निर्धारण की जिम्मेदारी थी, उन्हें ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए था, लेकिन ये सवाल पूछा नहीं गया, क्योंकि ये लोग जिन स्थानों पर रहे वहां पानी की इतनी दिक्कत उन्होंने देखी नहीं थी। बिना पानी की जिंदगी का दर्द क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं था। घर में पानी, स्विमिंग पूल, उसमें भी पानी, सब जगह पानी पानी, ऐसे लोगों ने कभी गरीबी देखी ही नहीं थी। इसलिए गरीबी उनके लिए एक आकर्षण रही, लिटरेचर और बौद्धिक ज्ञान दिखाने का जरिया बन गई। इन लोगों में एक आदर्श गांव के प्रति मोह होना चाहिए था, लेकिन ये लोग गांव के अभावों को ही पसंद करते रहे। मैं तो गुजरात जैसा राज्य से हूं जहां अधिकतर सूखे की स्थिति मैंने देखी है। मैंने ये भी देखा है कि पानी की एक एक बूंद का कितना महत्व होता है। इसलिए गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण मेरी प्राथमिकताओं में रहे। हमने ना सिर्फ लोगों तक, किसानों तक पानी पहुंचाया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि भूजल स्तर बढ़े। ये एक बड़ी वजह रही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने पानी से जुड़ी चुनौतियों पर लगातार काम किया है। आज जो नतीजे हमें मिल रहे हैं वो हर भारतीय को गर्व से भर देने वाले हैं। आजादी से लेकर 2019 तक हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ घरों तक ही नल से जल पहुंचता था। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 5 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। यानी पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था, आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में उससे भी ज्यादा काम करके दिखाया है। वो दिन दूर नहीं जब देश की किसी भी बहन बेटी को पानी लाने के लिए रोज रोज दूर दूर तक पैदल चलकर नहीं जाना होगा। वो अपने समय का सदुपयोग, अपनी बेहतरी, अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने रोजगार पर उसको शुरू करने में कर पाएगी। भाइयों और बहनों, भारत के विकास में
पानी की कमी बाधा न बने इसके लिए काम करते रहना हम सभी का दायित्व है, सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी जवाबदेह हैं। पानी की कमी की वजह से हमारे बच्चे अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में न लगा पाए, उनका जीवन पानी की किल्लत से निपटने में ही बीत जाए, ये हम नहीं होने दे सकते। इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर अपना काम जारी रखना होगा। आजादी के 75 साल बहुत समय बीत गया, अब हमें बहुत तेजी करनी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के किसी भी हिस्से में टैंकरों या ट्रेनों से पानी पहुंचाने की फिर नौबत ना आए। साथियों, मैंने पहले भी कहा है कि पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पानी को प्रसाद नहीं बहुत ही सहज सुलभ मानकर उसे बर्बाद करते हैं। वो पानी का मूल्य ही नहीं समझते। पानी का मूल्य वो समझता है जो पानी के अभाव में जीता है, वही जानता है एक एक बूंद पानी जुटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए, और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। हमने देखा है कई जगह नल से पानी गिरता रहता है, लोग परवाह नहीं करते। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो रात में नल खुला छोड़कर उसके नीचे बाल्टी उलटकर रख देते हैं। सुबह जब पानी आता है, बाल्टी पर गिरता है, तो उसकी आवाज उनके लिए मॉर्निंग अलार्म का काम करती है। वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया भर में पानी की स्थिति कितनी अलार्मिंग होती जा रही है। मैं मन की बात में भी अक्सर ऐसे महानुभावों का जिक्र करता हूं जिन्होंने जल संरक्षण और जल संचयन को अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन बनाया हुआ है। ऐसे लोगों से भी सीखा जाना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रयोग होते हैं, उसकी जानकारी हमें अपने गांव में काम आ सकती है। आज इस कार्यक्रम से जुड़ी देश भर की ग्राम पंचायतों से भी मेरा आग्रह है, गांव में पानी के स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जी जान से काम करें। बारिश के पानी को बचा रखकर घर में उपयोग से निकले पानी का खेती में इस्तेमाल करके कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देकर ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। साथियों, देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रदूषित पानी की दिक्कत है। कुछ क्षेत्रों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में हर घर में पाइप से शुद्ध जल पहुंचना वहां के लोगों के जीवन को मिले सबसे बड़े आशीर्वाद की तरह है। एक समय इंसेफेलाइटिस दिमागी बुखार से प्रभावित देश के 61 जिले, 60 से अधिक जिले में नल कलेक्शन की संख्या सिर्फ 8 लाख थी। आज ये बढ़कर
1,11,00,000 से ज्यादा हो गई है। देश को जो जिले विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गए थे, जिन जिलों में विकास की एक अभूतपूर्व आकांक्षा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। आकांक्षी जिलों में अब नल कनेक्शन की संख्या 31,00,000 से बढ़कर 1,16,00,000 से ज्यादा हो गई है। साथियों, आज देश में पीने के पानी की सप्लाई ही नहीं, पानी के प्रबंधन और सिंचाई का एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने को लेकर भी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। पानी के प्रभावी प्रबंधन के लिए पहली बार जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पानी से जुड़े अधिकतर विषय लाए गए हैं। मां गंगा जी के साथ साथ दूसरी नदियों के पानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्पष्ट रणनीति के साथ काम चल रहा है। अटल भूजल योजना के तहत देश के 7 राज्यों में ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर उठाने के लिए काम हो रहा है। बीते 7 सालों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पाइप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन पर भी बहुत बल दिया गया है। अब तक 13,00,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस संकल्प को पूरा करने के लिए अनेक ऐसे प्रयास चल रहे हैं। लंबे समय से लटकी सिंचाई की 99 बड़ी परियोजनाओं में से लगभग आधी पूरी की जा चुकी है और बाकियों पर तेजी से काम चल रहा है। देश भर में डैम्स की बेहतर मैनेजमेंट और उनके रखरखाव के लिए 1,000,00,000,000 रुपये से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 200 से अधिक डैम्स को सुधारा जा चुका है। साथियों, कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में भी पानी की बहुत बड़ी भूमिका है। हर घर जल पहुंचेगा तो बच्चों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। अभी हाल ही में सरकार ने पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम को, पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश भर के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी होगी और उन्हें पोषण भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना पर केंद्र सरकार 54,000,00,000 रुपये से अधिक खर्च करने जा रही है। इसका लाभ देश के करीब करीब 12,00,00,000 बच्चों को होगा। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है कि उपकर्तुम यथा सुअल्पम, समर्थो न तथा महान, प्रायः कुपः तुषामहन्ति सततम् न तु बारिदेहि। यानी पानी का एक छोटा सा कुआं लोगों की प्यास बुझा सकता है, जबकि इतना बड़ा समुंदर ऐसा नहीं कर पाता। ये बात कितनी सही है, कई बार हम देखते हैं कि किसी का छोटा सा प्रयास बहुत से बड़े फैसलों से भी बड़ा होता है। आज पानी समिति पर भी यही बात लागू होती है। जल व्यवस्था की देखरेख और जल संरक्षण से जुड़े काम भले ही पानी समिति अपने गांव के दायरे में करती है, लेकिन इसका विस्तार
बहुत बड़ा है। ये पानी समितियां गरीबों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। जिन लोगों को आजादी के बाद 7 दशकों तक नल से जल नहीं मिल पाया था, छोटे से नल ने उनकी दुनिया ही बदल दी है। और ये भी गर्व की बात है कि जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी समितियों में 50% सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। ये देश की उपलब्धि है कि इतने कम समय में करीब 3.5 लाख गांवों में पानी समितियां बन चुकी हैं। अभी कुछ देर पहले हमने जल जीवन संवाद के दौरान भी देखा है कि इन पानी समितियों में गांव की महिलाएं कितनी कुशलता से काम कर रही हैं। मुझे खुशी है कि गांव की महिलाओं को अपने गांव के पानी की जांच के लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथियों, गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बीते वर्षों में बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। घर और स्कूल में टॉयलेट्स, सस्ते सैनिटरी पैड्स से लेकर गर्भावस्था के दौरान पोषण के लिए हजारों रुपयों की मदद और टीकाकरण अभियान से मातृशक्ति और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को लगभग 8.5 हजार करोड़ रुपए की सीधी मदद दी जा चुकी है। गांवों में जो 2.5 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं, उनमें से अधिकांश पर मालिकाना हक महिलाओं का ही है। उज्ज्वला योजना ने गांव की करोड़ों महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाई है। मुद्रा योजना के तहत भी लगभग 70% ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए भी ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता के मिशन से जोड़ा जा रहा है। पिछले 7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है, 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद सरकार ने बहनों के लिए भेजी, बीते 7 सालों में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी की गई है। 13 गुना। इतना ही नहीं, लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का ऋण भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन माताओं बहनों को उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिना गारंटी ऋण में भी काफी वृद्धि की है। भाई और बहनों, भारत का विकास गांवों के विकास पर ही निर्भर है। गांव में रहने वाले लोगों, युवाओं, किसानों के साथ ही सरकार ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है जो भारत के गांवों को और ज्यादा सक्षम बनाए। गांव में जानवरों और घरों से जो बायोवेस्ट निकलता है, उसे इस्तेमाल करने के लिए गोवर्धन योजना चलाई जा रही है। ये योजना के माध्यम से देश के 150 से ज्यादा जिलों में 300 से ज्यादा बायोगैस प्लांट का काम पूरा हो चुका है। गांव के लोगों को
गांव में ही बेहतर प्राथमिक उपचार मिल सके, वो गांव में ही जरूरी टेस्ट करा सके, इसके लिए 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनमें से करीब 80,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम पूरा कर लिया गया है। गांव की आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी में काम करने वाली हमारी बहनों के लिए भी आर्थिक मदद बढ़ाई गई है। गांवों में सुविधाओं के साथ साथ सरकार की सेवाएं भी तेजी से पहुंचे, इसके लिए आज टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन की मदद से मैपिंग कराकर गांव की जमीनों और घरों की इसके डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत 7 साल पहले तक जहां देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई थी, वहीं आज 1.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। सस्ते मोबाइल फोन और सस्ते इंटरनेट के कारण आज गांवों में शहरों से ज्यादा लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। आज 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर सरकार की दर्जनों योजनाओं को गांव में ही उपलब्ध करा रहे हैं और हजारों युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। आज गांव में हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस अभियान को सफल बनाना है। जल जीवन मिशन जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंचे, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। बापू के अमर आदर्श को चरितार्थ कर भारत माता के चरणों में पुनः अपने सेवा पुष्प अर्पित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।